आज हम आपको बताएंगे कैसे घरेलू उपाय के द्वारा पेट में या आंत में हुए कीड़ों का इलाज किया जा सकता है। पेट में कीड़े होने की समस्या ज्यादातर बच्चों में देखी जाती है, क्योंकि बच्चे अपने पेट की सफाई का ध्यान नहीं रख पाते। कभी कभी खेलते खेलते वो मिट्टी या ऐसी दूषित चीजों के संपर्क में आ जाते हैं, जिनसे उन्हें संक्रमण हो जाता है। और यहाँ तक कि तो ये भी देखा गया है कि बच्चे अक्सर मिट्टी मुंह में ले लिया करते हैं, और उनको संक्रमण इसलिए होता है कि ये परजीवी या पैरासाइट्स अक्सर मिट्टी में ही अंडे देते हैं, और ये बच्चों के नाखून के द्वारा पेट में चले जाते हैं। पालतू जानवरों के साथ खेलने से या बाहर नंगे पैर घूमने से भी ये पैरासाइट्स यानी परजीवी बच्चों के पेट या आंत तक पहुंच जाते हैं। कभी कभी ये कीड़े बच्चों में होने के साथ साथ बड़ों में भी हो जाते हैं, जिनसे कई तरह के संक्रमण होने के चांसेस रहते हैं। तो आइए हम एक एक करके इन कीड़ों के प्रकार के बारे में जानते हैं। टेपवर्म, ये ऐसा कीड़ा होता है जो कि टेप की तरह चपटा होता है और इसकी लंबाई 5 से 10 मीटर की होती है। ये टेपवर्म अक्सर कच्चा या अधपका मांस खाने वाले लोगों में ज्यादा पाया जाता है, या फिर यूं कहें कि ये पालतू कुत्ते का झूठा भोजन खाने से भी हो जाता है। ये टेपवर्म हमारे सीधे दिमाग पर असर करता है और ये कई सारी दिमागी बीमारियां भी उत्पन्न कर सकता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं थर्ड वर्म के बारे में। ये ऐसा कीड़ा होता है जो कि धागे की तरह दिखता है। इस कीड़े से रोगी हमेशा दस्त या फिर कब्ज की शिकायत से परेशान रहता है। मलाशय में खुजली की शिकायत रहती है और साथ ही साथ बुखार, खांसी और वजन कम होने की शिकायत भी रहती है। तो अब हम बात करते हैं राउंड वर्म्स के बारे में। ये कीड़े देखने में केंचुए जैसे लंबे और मटमैले कलर के होते हैं, इवन काफी इंच तक लंबे होते हैं, और ये टेप वर्म से ज्यादा घातक साबित हो सकते हैं। इसकी वजह से रोगी में उल्टी, खांसी, बुखार, चिड़चिड़ापन, वेट लॉस, आंत और लंग्स में सूजन आदि बीमारियां भी हो सकती हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं हुकवर्म्स के बारे में। ये ऐसे कीड़े होते हैं जो आसानी से आपके शरीर में त्वचा के माध्यम से प्रवेश कर जाते हैं, अगर आप बिना हाथ धुले खाना खाते हैं या फिर नंगे पैर चलते हैं। इनकी लंबाई कुछ 5 से 13 मिलीमीटर की होती है। इनके शरीर में प्रवेश करने से आपके पोषक तत्वों में कमी आ जाती है, जिससे आप अनीमिया से ग्रसित हो सकते हैं। ऐसे और भी कई कीड़े हो सकते हैं जो हमारे शरीर में पोषक तत्वों को नष्ट करके हमें कमजोर बना सकते हैं। ये परजीवी यानी पैरासाइट्स होते हैं। इनका जीवन चक्र हमारे शरीर पर निर्भर करता है, और कई बार ध्यान ना देने पर संक्रमण बढ़ जाने की स्थिति में आप काफी सीरियस प्रॉब्लम से ग्रसित हो सकते हैं। कई बार देखा गया है कि राउंड वर्म्स और हुक वर्म्स हमारे लीवर में भी इन्फेक्शन फैलाने लगते हैं। टेप वर्म का साइज तो इतना बड़ा होता है कि ये हमारे इंटेस्टाइन तक को ब्लॉक कर सकता है और हमारे शरीर को काफी कमजोर कर देता है। तो समय रहते इनका उपचार किया जाना बहुत जरूरी है, और अपने पेट से कीड़ों को साफ करना बहुत ही जरूरी है। तो आइए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कीड़ों के इलाज के घरेलू उपाय के बारे में। यदि किसी व्यक्ति के पेट में टेप वर्म हो जाए, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को लंबे समय तक उपवास रखना चाहिए और अपने पेट पे गर्म ठंडे का सेक करना चाहिए। नेचुरोपैथी के अनुसार नीम की पत्तियों को उबालकर उस पानी से एनिमा लेते रहना चाहिए, और साथ ही साथ हर रोज मिट्टी की पट्टी को अपने पेट पर रखना चाहिए। इसके बाद रोगी को कटे स्नान करना चाहिए, जिससे टेप वर्म शरीर में मर कर पेट से बाहर निकल आते हैं। नेचुरोपैथी के अनुसार प्रतिदिन योग की विभिन्न क्रियाएं करें। 2 भाग दही और 1 भाग शहद मिलाकर रोगी को प्रतिदिन सुबह शाम चाटना चाहिए। इससे कीड़े मर कर मल के द्वारा बाहर निकल आएंगे। बच्चों को 3 चम्मच अनार का रस सुबह पिलाने से पेट के कीड़े मर जाते हैं। एक तरीका और है इन कीड़ों को पेट से बाहर निकालने का। बस रोगी को ये करना है कि 1 चम्मच पुदीने का रस सुबह शाम पिए। वही असर नीम के शरबत का भी है। नीम के पत्तों को पीस कर उसका शरबत बनाकर सुबह शाम पीने से पेट के कीड़े बाहर निकल जाते हैं। पालक के पत्तों को अजवाइन के साथ पीस कर पानी में घोल कर पीने से पेट के कीड़े मर जाते हैं और मल के साथ बाहर आ जाते हैं। इसके अलावा आंवले का रस या बेल के पत्ते का रस 1-1 चम्मच सुबह शाम पीने से भी कीड़े मर जाते हैं और मल के साथ बाहर आ जाते हैं।
एक चम्मच कच्चे पपीते के रस में एक चम्मच शहद मिलाकर 3 से 4 चम्मच गर्म पानी के साथ सेवन करने से पेट के कीड़े मर जाते हैं और मल के साथ बाहर आ जाते हैं। एक और आसान सा तरीका है पेट से कीड़े बाहर निकालने का। रात को सोने से पहले आप अरंडी का तेल पी लें 1 चम्मच, सुबह 10 में सारे कीड़े बाहर आ जाएंगे। बच्चों में अगर कीड़े हैं तो 20 से 30 बूंद लहसुन का रस दूध में मिलाकर पिलाने से बच्चों के कृमि सुबह मल के साथ बाहर आ जाते हैं। बेल के शरबत से भी पेट के कीड़े मर जाते हैं, लेकिन बेल के फल की अपेक्षा बेल के पत्तों का रस काफी असरदार है। एक और आसान सा तरीका है अगर आपके पेट में कीड़े हो गए हैं और आप उनसे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो 2 से 3 अखरोट को लेकर चबाएं और ऊपर से फीका दूध पी लें। ऐसा लगातार 15 दिन करने से आपके पेट के कीड़े मरकर बाहर आ जाते हैं। तो दोस्तों ये सारे तरीके तो हो गए पेट में हुए कीड़ों को मारने के। तो चलिए आज हम कुछ ऐसी सावधानियों के बारे में बताते हैं जिनसे कीड़े आपके पेट तक पहुंचेंगे ही नहीं। हम सबको अपने शरीर की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए और अगर हम ऐसा करते हैं तो कीड़े हमारे शरीर तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। बच्चों को गंदगी में खेलने से रोकना चाहिए और खाना खाने से पहले अपने हाथों को अच्छी तरह से साबुन से धो लेना चाहिए। खाने की चीजों को हमेशा ढक कर रखना चाहिए और अपने नाखूनों को हमेशा काट कर रखना चाहिए और उन्हें साफ रखना चाहिए, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि हमारे नाखूनों से ही गंदगी हमारे शरीर में प्रवेश करती है। खाने में पाइनएप्पल, पपीता, गाजर, टमाटर, सेब और बहुत सारी हरी सब्जियों का सेवन करना चाहिए। हमें उम्मीद है दोस्तों कि आज के बताए हुए नुस्खे आपके काम जरूर आएंगे। तो दोस्तों पेट के कीड़ों को मारने के तरीकों पर बना यह स्पेशल वीडियो यहीं समाप्त होता है। इसी तरह के घरेलू नुस्खे जानने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और हाँ अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करना ना। आज मैं आपको बताऊंगी इमली से होने वाले फायदों के बारे में। दोस्तों इमली तो हम सभी लोगों ने खाई होगी, किसी भी तरह के चाट बिना इमली के अधूरे होते हैं। इवन दक्षिण भारत में तो दालें भी बिना इमली के नहीं बनती, पर हम में से ऐसे बहुत कम लोग होंगे जिन्हें इमली के औषधीय गुणों के बारे में भी पता होगा।